गुड मॉर्निंग एवरीवन ये आपका थर्ड लेक्चर है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है इरिगेशन में जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कवर अप करेंगे ठीक है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है आपका वो है आपका क्रॉप सेशन तो क्रॉप सेशन एक्चुअल में होता क्या है वो देखते हैं क्रॉप सेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रोइंग सेशन इन द पीरियड ऑफ ईच ईयर वेन प्लांट्स और क्रॉप कैन बी ग्रोन ओके दैट मीन्स क्या होता है हम पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट काइंड से क्रॉप्स होते हैं ठीक है और सारे क्रॉप्स को तो पर्टिकुलर एक ही टाइम पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते इसलिए क्या करते हैं जैसे कि राइस है शुगर केन है टोबैको है ग्राउंड नट्स है ठीक है इसको अलग अलग सेशन वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ठीक सपोज जैसे कि आपका राइस का कल्टिवेशन है वो कब होता है आपका अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ठीक तो ये जो ड्यूरेशन है ठीक है ये जो सेशन है जिसमें हम क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को डिफरेंट डिफरेंट सेशन में क्या करते हैं कल्टीवेशन करते हैं उसको बोलते हैं हम क्रॉप सेशन और ये क्रॉप सेशन किसके कितने डिवाइडेड uh, है ये ये देखो पहले सबसे पहला है रवि क्रॉप खरीफ क्रॉप जैद क्रॉप एंड पेरिनियर क्रॉप ठीक तो सबसे पहले पॉइंट पे देखो आपका रवि क्रॉप ओके ये सेशन आपका कब से कब तक है नवंबर टू अप्रैल ओके जब हम नवंबर से अप्रैल तक में जो क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं उसको बोलते हैं हम रवि क्रॉप और रवि क्रॉप में क्या आता है आपका वीट है ओके टोबैको है ओके मस्टर्ड है ये सारा चीज किस में आएगा आपका रवि क्रॉप में ठीक तो जो क्रॉप जो है नवंबर से अप्रैल के बीच में कल्टीवेशन होगा उसको हम बोलते हैं रवि क्रॉप ठीक अब सेकेंड टप में देखते हैं खरीफ क्रॉप क्या होता है इसका सेशन क्या रहता है अप्रैल से अक्टूबर के बीच में मतलब जिस क्रॉप को हम अप्रैल से अक्टूबर के बीच में कल्टीवेशन करते हैं वो है आपका खरीफ क्रॉप अब खरीफ क्रॉप में क्या है आपका राइस है ठीक है ग्राउंड नट्स है ओके स्पाइकड है ये सारा आपका क्या आएगा खरीफ क्रॉप में आप थर्ड में आप देखोगे जैद क्रॉप ये कब होगा कल्टीवेशन मार्च टू जून ठीक है इस ड्यूरेशन में इस क्रॉप सेशन में जो भी क्रॉप जो है क्या करते हैं हम कल्टीवेशन करते हैं उसको बोलते हैं हम जैद क्रॉप ओके okay? इसमें है आपका वाटर मिलन ग्राउंड नट्स ठीक है तो ये वाला किस में आएगा आपका जैद क्रॉप में और लास्ट है आपका पेरिनियर क्रॉप ठीक जिस क्रॉप में हमको क्या करते हैं पूरे सेशन वाटर क्या है सप्लाई करना पड़ता है ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ईयर दैट मीन्स पूरे सेशन हम क्या करते हैं उस क्रॉप को वाटर सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हम पेरिनियर क्रॉप जिसमें क्या है आपका शुगर केन है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स हैं एंड वेजिटेबल्स हैं ओके ये आपका किस में आएगा पेरिनियर क्रॉप तो ये सारा जो क्रॉप है फोर टाइप्स के क्रॉप का सेशन होता है रबी रबी सेशन खरीफ सेशन जैद सेशन एंड पेरिनियर सेशन अभी कौन सा सेशन चल रहा है जैसे कि अभी आपका रैनी सीजन चल रहा है तो रैनी में आपका क्या होगा खरीफ क्रॉप क्योंकि अभी क्या कर रहा है राइस का कल्टिवेशन चल रहा है तो ये आपका खरीफ क्रॉप के सेशन पे आएगा ठीक तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्रॉप सेशन किसको बोलते हैं मतलब जिस ड्यूरेशन में जिस टाइम इंटरवल में हम क्रॉप को कल्टिवेट करते हैं वो है आपका क्रॉप सेशन ठीक अब आपका सेकेंड टर्म पे आता है क्रॉप पीरियड ओके इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ है क्रॉप पीरियड इज द टाइम इन डेज दैट टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ शोइंग टू इंस्टेंट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग ओके मतलब क्रॉप पीरियड किसको बोला जाता है जैसे ही हम क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं एक लैंड एरिया कंसिडर करते हैं सपोज ये छोटा सा आपका ये लैंड एरिया है ओके okay? इस लैंड एरिया में क्या करेंगे आप क्या करोगे बीज डालोगे ठीक है उस बीज को डालने वाला टाइम सपोज ये बीज को हम डाले तो उसको हम लेते हैं टी वन ठीक है अब ये क्या हो गया आपका क्रॉप कल्टीवेट हो गया ठीक है वो क्रॉप जो है बड़ा हो गया अब इस क्रॉप को हम क्या करेंगे कटिंग करेंगे तो ये टाइम हो गया टी टू तो टी वन से टी टू तो का जो ड्यूरेशन है वो आपका क्या होगा क्रॉप पीरियड ठीक है जैसे ही हम अपने लैंड एरिया में बीज डालते हैं उस टाइम से लेके जब तक हम बीज जब तक हम पेड़ को मतलब क्रॉप को कटिंग नहीं करते उस बीच के ड्यूरेशन को क्या बोलेंगे हम क्रॉप पीरियड ओके अब थर्ड पॉइंट पे देखो आप बेस पीरियड इसका क्या है आपका द टाइम बिटवीन द फर्स्ट हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप एट द टाइम ऑफ शोइंग टू इट्स लास्ट वाटर बिफोर हार्वेस्टिंग ओके बेस पीरियड में क्या होता है इसमें हम वाटर सप्लाई करते हैं ठीक है जैसे ही हम लैंड लैंड में बीज डालते हैं ठीक है तो उस समय क्या करते हैं वाटर सप्लाई करेंगे बिकॉज उसको वाटर की नीड होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे ठीक है तो जैसे ही अपने लैंड में बीज डालने के बाद जो हम वाटर सप्लाई करते हैं वो वाला आपका फर्स्ट हुआ ठीक है देन उसके बाद जो अपने फसल है ठीक है क्रॉप को उसको कटिंग करने से पहले एक बार वाटर सप्लाई करते हैं तो बेसिकली आपका बेस पीरियड में क्या होगा जब हम वाटर सप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाटर सप्लाई से लेके लास्ट कटिंग से पहले तक का जो वाटर सप्लाई के बीच का जो ड्यूरेशन है वो है आपका बेस पीरियड ठीक है तो ये रहा आपका क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड अब आपका आता है नेक्स्ट में ड्यूटी ठीक है ड्यूटी में लिखा हुआ है इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ अ क्रॉप इरीगेटेड एंड द क्वालिटी ऑफ इरीगेशन वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप दैट मीन्स क्या होता है ड्यूटी का मतलब जैसे ही हम क्या करते हैं क्रॉप जब लैंड एरिया में आता है ठीक है तो हम करते हैं उसमें वाटर सप्लाई करते हैं तो वो जो फर्स्ट वाटर जो सप्लाई करते हैं वो देन अल्टरनेटली जब तक वाटर अपना कटिंग नहीं होता है दैट मीन्स अपना क्रॉप कटिंग नहीं होता है तब तक हम क्या करते हैं एटलीस्ट फोर टू फाइव टाइम्स हम क्या करते हैं उस लैंड एरिया में वाटर सप्लाई करते हैं ठीक है तो समेशन ऑफ ऑल द क्रॉप्स ओके दैट मीन्स क्या होगा जितने भी समेशन होगा वाटर सप्लाई करने का ओके okay? उसको बोलते हैं हम ड्यूटी बेसिकली आप ड्यूटी में कंसिडर करोगे कि जैसे ही हम कितने क्वांटिटी में वाटर सप्लाई कर रहे हैं उस लैंड एरिया पे ठीक है फर्स्ट में क्या करोगे फर्स्ट में जैसे ही आप बीज डालोगे आपने लैंड एरिया में उस टाइम आप क्या करोगे वाटर सप्लाई करोगे देन नेक्स्ट टाइम वाटर सप्लाई करोगे देन थर्ड देन फोर्थ एटलीस्ट आप फाइव टू सिक्स टाइम क्या करते हो अपने लैंड में वाटर सप्लाई करते हो ठीक है या तो वो रेन वाटर होता है या फिर आप क्या करते हो आर्टिफिशियली थ्रू द इिगेशन के थ्रू आप क्या करोगे उस लैंड एरिया में वाटर सप्लाई करोगे जस्ट बिकॉज आपको अपना कल्टिवेशन इंक्रीज करना है ठीक है तो उसमें क्या होगा आपको ड्यूटी में सिर्फ ये कंसिडर करना है कि जितने टाइम्स ऑफ वाटर जो है आप उस लैंड एरिया में सप्लाई कर रहे हो उसका समेशन जो है वो ड्यूटी में होगा अब ड्यूटी को हम कैटराइज कर सकते हैं हाई ड्यूटी और लो ड्यूटी ठीक है इसमें देखो हाई ड्यूटी में क्या लिखा है ड्यूटी इज द बींग रिफर टू द रिफर टू अज बींग हाई एंड लो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेक्टेयर पर क्यूमेक इरीगेशन इज लार्जर स्मॉल ओके दैट मीन्स क्या होगा ये किस पे डिपेंड करेगा ये आपके लैंड एरिया पे डिपेंड करता है मतलब कितने हेक्टेयर आपका लैंड एरिया है और कितने क्यूमेक में आपको वाटर उसमें प्रोवाइड करना है ठीक है तो ये होगा सपोज आपका लैंड एरिया स्मॉल है ठीक तो स्मॉल एरिया में आपको ऑब्वियसली वाटर की रिक्वायरमेंट कम होंगी ठीक तो वो क्या होगा आपका स्मॉल ड्यूटी प्लस पर्टिकुलर एरिया में अगर वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है मतलब आपका हेक्टेयर लैंड का हेक्टेयर बहुत ही ज़्यादा है ठीक तो उसमें क्या होगा आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो जिस पर्टिकुलर एरिया में ठीक है वाटर कम है या ज़्यादा है उसको हम कैसे कैटेराइज कर सकते हैं हाई ड्यूटी और लो ड्यूटी और ड्यूटी क्या होगी आपकी ये आपका समेशन होगा ठीक है मतलब जितने नंबर्स ऑफ वाटर सप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर एक ही लैंड पे वो उसका समेशन क्या होगा आपका ड्यूटी ठीक और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका डेल्टा वो देखते हैं आपका डेल्टा क्या होता है ओके अब लास्ट में देखते हैं अपना डेल्टा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको देखो इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू अ क्रॉप फॉर इट्स फुल ग्रोथ इज कॉल्ड द डेल्टा ओके तो डेल्टा क्या होगा जब भी हम वाटर सप्लाई करते हैं ठीक है किसी भी लैंड एरिया में तो पर्टिकुलर डेप्थ होता है सपोज अपना लैंड है ठीक है उसमें हम क्या करते हैं फाइव सेंटीमीटर से सिक्स सेंटीमीटर पर्टिकुलर डेप्थ में हम वाटर सप्लाई करते हैं जनरली राइस में वन ट्वेंटी सेंटीमीटर का हम क्या करते हैं वाटर सप्लाई करते हैं तो वो जो डेप्थ है पर्टिकुलर वाटर का जो डेप्थ है वन सेंटीमीटर उसको हम क्या बोलेंगे डेल्टा ओके okay? इसको डिनोट करते हैं डेल से ठीक okay? तो ये रहा आपका बेसिक टर्म्स जो है और ये सारा जो टर्म है आपके किस में होगा न्यूमेरिकल में यूज होगा ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे इसका न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि डेल्टा किसके रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है कैसे उसको फाइंड करेंगे ड्यूटी कैसे फाइंड करेंगे बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं ठीक तो ये रहा आपका बेसिक टर्म्स इसको पहले देख लेते हैं कि क्या है आपका सबसे पहला क्रॉप सेशन है ठीक देन रबी आपको यह पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप को हम कल्टीवेशन करते हैं देन खरीफ क्रॉप में हम कौन कौन से प्लांट्स को कल्टीवेशन करते हैं ठीक है सेम एज इट इज आपको पता होना चाहिए क्रॉप पीरियड क्या होता है क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्रॉप पीरियड दिया रहेगा ठीक है आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस किस ड्यूरेशन का बात कर रहा है ठीक सेम एज इट इज आपका बेस पीरियड को हम बी से डिनोट करेंगे ओके और आपका क्या है यहाँ पे ड्यूटी ड्यूटी को हम डी से डिनोट करते हैं ठीक है और लास्ट में आपका है डेल्टा उसको आप डेल से डिनोट करोगे इसमें एक रिलेशन है जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे ठीक तो ये रहा आपका बेसिक टर्म्स और नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको अच्छे से या, याद करके रखना ताकि आपका जो न्यूमेरिकल वो आपको इजिली समझ आ जाए ओके थैंक यू